एंड स्वागत है अपने YouTube चैनल के अंदर। तो गाइज, आज के इस वीडियो के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक MI का फ़ोन रिपेयर के लिए आया हुआ है, और इसके अंदर जो प्रॉब्लम आया हुआ है गाइज, ठीक है, इसके अंदर जो दिक्कत पहले आ रही थी, पहले मैं आपको बता दूँ पहले जो दिक्कत आ रही थी, अभी इसके अंदर दिक्कत क्या आ रही है। देखो, पहले दिक्कत इसके अंदर ये आ रही थी जब ये मेरे पास रिपेयर में आया था, तो उस कंडीशन में मैंने इसको जब ऑन करा, तो ऑन करने के बाद इसमें हो क्या रहा था कि हर 5 सेकेंड के अंदर ना बार बार ये जो वाइब्रेट है वो कंटिन्यू हो रहा था। मतलब एक बार आपने इनकी पावर की को बटन को प्रेस कर दिया तो ये वाइब्रेट बार बार 5 सेकेंड में वाइब्रेट, फिर 5 सेकंड में वाइब्रेट, ऑटोमेटिकली वाइब्रेट होता रहता था कंटिन्यू। सेट चालू कुछ भी नहीं हो रहा था, ना ही ग्राफिक आ रही थी, ना ही इसके ऊपर लाइट आ रही थी गाइस, ठीक है। मैंने बैटरी भी दूसरा चेंज करके देखा, डिस्प्ले भी मैंने दूसरा चेंज करके देखा, बट इसके अंदर कोई भी फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। उसके बाद गाइज मैंने इसके अंदर किया सॉफ्टवेयर, ठीक है, और सॉफ्टवेयर करने के बाद गाइज ये फोन जो है वो रिकवरी पे जाके फेल हो चुका था। रिकवरी पे मैं बता रहा हूँ, रिकवरी पे जाने के बाद फेल हो गया। उसके बाद गाइज ये सेट पहले जो वाइब्रेट कर रहा था, अभी कुछ भी वाइब्रेट नहीं कर रहा है गाइज, ठीक है। तो अगर आपके पास भी इस तरीके का कोई अगर प्रॉब्लम आता है तो आपको काम कहां पे करना है, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो आपको सॉफ्टवेयर चेक कर लेना है, क्योंकि ये रेडमी 6 और 6 से की जो प्रॉब्लम है ना वो बहुत अलग अलग तरीके से आती है, ठीक है, और इसके अंदर गाइस EMMC ज्यादातर डैमेज हो जाती है, ठीक है। अभी जो ये कंडीशन बन रहा है मैं आपको दिखाता हूं। देखो, अभी मैं इसको पीसी से अगर कनेक्ट करता हूं तो यहां पे सिंपली इसको डाई से मैं कनेक्ट करता हूं, तो गाइस तो यहां पे इनकी ये व्हाइट लाइट सबसे पहले यहां पे जल रही है। आप देख सकते हो कि यहां पे ये व्हाइट लाइट जल रही है, ठीक है। देखो, यहां पे ये व्हाइट लाइट कंटिन्यू जो है वो आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, ब्लर हो रहा है। देखो गाइस, ये व्हाइट लाइट कंटिन्यू जली हुई है, ठीक है, और ये कंप्यूटर के साथ जो पीसी के साथ जब लगाते हैं तो इनका पोर्ट बनता है और छोड़ देता है, ठीक है। मैं एक बार आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, मैंने पीसी पे लगा दिया है और मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। देखो गाइस, यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, USB नॉट रिकॉग्नाइज, ठीक है, देख सकते हो अभी यहाँ पे USB नॉट रिकॉग्नाइज करके लिख के आ रहा है। एक बार फिर से मैं इसको निकालता हूँ बाहर, देखो बाहर मैंने निकाला, फिर से एक बार मैं यहाँ पे लगा के देखता हूँ इसको। तो गाइस, मदरबोर्ड बिल्कुल फ्रेश है, किसी ने काम इसके ऊपर नहीं किया हुआ। देखो, एक बार फिर से मैं कनेक्ट करता हूँ। देखो गाइस, एक बार फिर से मैंने इसको उनको कनेक्ट कर दिया, फिर से देखो USB नॉट रिकॉग्नाइज, इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है गाइस। तो इस कंडीशन में ज़्यादातर गाइस आपको जो काम करना होता है वो इसकी EMMC पे काम करना होगा, ठीक है। इसकी जो EMMC है वो डैमेज होने के वजह से इस तरीके की प्रॉब्लम आती है, या तो फिर इसका जो बैड हेल्थ हो जाता है उस कंडीशन में भी गाइस इस तरीके की प्रॉब्लम आती है। मदरबोर्ड बिल्कुल फ्रेश कंडीशन में, किसी ने कोई भी काम नहीं किया हुआ है। तो आज जो है गाइस इसके ऊपर हम इसको रिपेयर करेंगे, इसको देखेंगे, इसकी EMMC को ओपन करके कि इसके अंदर EMMC में प्रॉब्लम क्या है, इसका हैंड इसकी EMMC लगी हुई है। तो सीधे हम चलते हैं अपने माइक्रोस्कोप के ऊपर, इसकी EMMC को बाहर करते हैं, उसके बाद इसको आइडेंटिफाई करके देखेंगे कि इसके अंदर की EMMC में प्रॉब्लम है क्या गाइस, ठीक है। तो चलो चलते हैं सीधा माइक्रोस्कोप के ऊपर। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने इसके ऊपर जो है वो EMMC को ओपन कर दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, ठीक है। तो चलो एक बार ही अभी हम चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और गाइस इसको हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे जो है हमारा UEFI बॉक्स को पहले हम ऑन कर लेते हैं। पहले चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और इसको गाइस अभी हम चेक करेंगे, अपना UEFI जो है वो होता है वो UEFI बॉक्स के ऊपर चेक करेंगे, इसका जो हेल्थ रिपोर्ट वगैरह है वो कैसा है वो हम चेक करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जो EMMC टूल बॉक्स होता है उसको हम ओपन कर लेते हैं। तो सिंपली गाइस यहाँ पे ओपन हो चुका है, यहाँ से हम इसको ओके कर देते हैं, यहाँ से क्लोज पे क्लिक कर लेते हैं गाइस, ठीक है। और इसके जो EMMC IC है उसको अभी हम बॉक्स के अंदर डालेंगे और इसको हम यहाँ पे चेक कर लेंगे, ठीक है गाइस। तो चलो अभी इसको हम सिंपली इस बॉक्स के अंदर डाल देते हैं जो कि मैंने EMMC को निकाला है, ठीक है। और इसी तरीके से सिंपली हम इसको जो है वो कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर मैंने कनेक्ट भी कर दिया है और सीधा हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे आइडेंटिफाई EMMC पे क्लिक करके। तो गाइस देखो, यहाँ पे ये जो EMMC IC है वो यहाँ पे डायरेक्ट नहीं हो पा रही है, ना ही कनेक्ट हो पा रहा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो एक बारी फिर से हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा प्रेस करके रखते हैं इस तरीके से, जो बॉक्स होता है, हो सकती है इनकी जो बॉलें हैं वो टच नहीं हो पा रही हो, बॉक्स के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रही हो ठीक से। तो मैं थोड़ा सा इसको IC को थोड़ा सा प्रेस करके रखता हूँ। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे कि ये जो है वो EMMC IC जो है वो डैमेज शायद हो चुका है, यहाँ पे ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, आप देख सकते हो गाइस, ठीक है। देखो गाइस यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, देख सकते हो ये कुछ एरर शो हो रहा है यहाँ पे,
देखो ये EMMC IC डैमेज हो चुकी है गाइस, ठीक है, तो ये EMMC को करना पड़ेगा गाइस चेंज, ठीक है, क्योंकि EMMC की पुल्ली डेड हो चुकी है और इसके वजह से ये फ़ोन EMMC आइडेंटिफाई भी नहीं हो पा रहा है कम्प्लीटली, जो कि मैंने इस तरीके से इसको प्रेस भी किया हुआ है, ठीक है। तो गाइस चलो आज के इस वीडियो के अंदर इसकी EMMC को भी हम चेंज करके देखें, क्योंकि फ़ोन को प्रॉपरली रेडी करना है। तो इसके लिए चलो हम क्या करते, देखो गाइस ये EMMC IC है जो कि FK Hynix की है, जो कि अभी फिलहाल डैमेज बता रहा है, आप यहाँ पर ये देख सकते हो, शायद ये ब्लर हो रहा होगा आपको, ठीक है गाइस, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ पहले एक बार, देखो गाइस यहाँ पे ये साफ भी नहीं दिख रहा है आपको, देखो गाइस यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो चलो यहाँ पे गाइस हमारे पास दूसरी EMMC IC भी है, उसको हम लगा के चेक करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करके देखते हैं एक बार। तो सिंपली गाइज यहाँ पे देखो मेरे पास एक सैमसंग की EMMC मुझे मिली है, यहाँ पे मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो वो FK Hynix की EMMC डैमेज थी, जैसा कि आपने वीडियो के अंदर देखा कि वो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है, तो हमारे पास ये सैमसंग की EMMC है और ये FK Hynix की है, जिसको मैंने फिलहाल इसके अंदर से निकाला हुआ है गाइज, देख सकते हो ये FK Hynix की है और ये जो सैमसंग की EMMC है गाइज ये हमारे पास है, तो इसको एक बार आइडेंटिफाई करेंगे। तो हम चलते हैं यहाँ पे UEFI बॉक्स के ऊपर, और ये जो मॉडल था हमारे पास वो Redmi 6A मॉडल था, ठीक है, और यहाँ पर हम सिंपली इसको एक बार आइडेंटिफाई करते हैं, जो सैमसंग की EMMC मैंने डाला है उसको हम एक बार यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं। तो गाइज यहाँ पे देखो मैंने आइडेंटिफाई किया और यहाँ पे गाइज देख सकते हो कि ये जो EMMC है गाइज वो 3 GB की EMMC है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये 29.12 दिख रहा होगा, ये तो 3 GB की EMMC है, और यहाँ तक कि Redmi 6 के अंदर जो होता है Redmi 6A जो होता है उसके अंदर 216 होता है गाइज, 2 GB रैम 16 GB इंटरनल होता है, इसके अंदर गाइज 3 GB रैम और जो है वो हमारा 32 GB इंटरनल है गाइज, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के अंदर इसको गाइज हम 3 GB बना देंगे, क्योंकि गाइज हमारे पास दूसरी EMMC नहीं है, तो इसीलिए इसको हम 3 GB बना देंगे गाइज, ठीक है। तो इसके लिए कम्फर्टेबल EMMC होना चाहिए, इसका जो ये प्रोडक्ट नेम है यहाँ पे GD6DMB कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट नेम है गाइस, ठीक है। तो इसके लिए हम फैक्ट्री इमेज में चलेंगे, मीडिया टेक यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्टेड है, तो यहाँ पे गाइस अभी जो इसको हम बनाने वाले हैं तो Redmi 6A, तो 6A का फाइल सिंपली हम निकालते हैं पहले कहाँ पे है, तो सिंपली हम चलते हैं यहाँ पे जी फोल्डर के अंदर, और यहाँ पे हमारा जो वो 6A का फाइल मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, ये वाला फाइल, ठीक है। तो 6A का फाइल का यहाँ पे जो स्कैटर फाइल होता है, सिंपली इस फाइल को हम यहाँ से इस तरीके से लेके सीधा यहाँ पे UEFI बॉक्स के अंदर हम डाल देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम इसको गाइस डालेंगे तो यहाँ पे सारा प्रोडक्ट नेम यहाँ पे नीचे में शो हो जाएगा, तो हमारे पास जो EMMC IC है वो नीचे में यहाँ पे देख सकते हो GD6BMB कुछ इस तरीके का ये प्रोडक्ट नेम है, जो कि सैमसंग का है, ठीक है गाइस। तो ये EMMC कंफर्टेबल है, ये हमारे फोन के अंदर लग जाएगा, देख सकते हो GD6BMB करके है, ठीक है, और इसका जो भी जो नेम है ये भी यहाँ पे मैच कर रहा है, कंफर्टेबल है ये, ठीक है। तो इसके लिए सिंपली क्या करना है आपको कि सीधा ये जो EMMC IC है इसको सीधा फैक्ट्री रीसेट कर देना है आपको, वैसे ये EMMC फैक्ट्री रीसेट ऑलरेडी है पहले से ही, फिर भी मैं फैक्ट्री रीसेट आपके सामने कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको इरेज भी कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसका हेल्थ वगैरह सारी चीज़ें आपको चेक कर लेनी है, उसके बाद आपको लगाना है, क्योंकि बाद में आपको फिर प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पर मैं नैन टेस्ट भी कर लेता हूँ, ठीक है, देखो गाइस यहाँ पे मैं नैन टेस्ट भी कर लेता हूँ, यहाँ पे हेल्थ भी दिखा, मतलब यहाँ पे दिख जाएगा कि ओके, देखो कंफर्टेबली जो हमारा ओके है, यहाँ पे हेल्थ रिपोर्ट भी एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं, वैसा अगर हेल्थ रिपोर्ट डैमेज रहेगा तो आपको नैन टेस्ट में भी बता देगा, यहाँ पे गाइस हमारा हेल्थ रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस अभी क्या करना है, ये इसको मीडिया टेक के फोन के अंदर डालेंगे, तो यहाँ से इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन होती है, पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन ये यहाँ से 0 है, तो इसके लिए सिंपली हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे मीडिया टेक वाले पे जेनरिक पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे इनकी कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन जो 0 थी वो यहाँ पे गाइज वो हमारा ओके हो जाएगा। यहाँ पे फिर से एक बार आइडेंटिफाई करते हैं, देखिए गाइज यहाँ से हमारा जो पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन 0 था वो यहाँ पे 0x48 करके हो चुका है और क्वालकॉम का 38 होता है गाइज, ठीक है। तो यहाँ पे 3 GB का है ये और ये कंफर्टेबल EMMC है, तो सिंपली क्या करना है, EMMC को बॉक्स के अंदर से बाहर निकालेंगे, यहाँ से UEFI बॉक्स का काम हो चुका है खत्म। अभी हम सीधा चलते हैं अपने माइक्रोस्कोप के ऊपर, ये जो EMMC IC है इसको सिंपली एक बार हम रिवॉल्व करेंगे, मदरबोर्ड को क्लीन करेंगे और ये EMMC को सीधा अपने बॉक्स के ऊपर हम लगा दें, मतलब मदरबोर्ड के ऊपर फिक्स कर देंगे, ठीक है। तो चलो चलते हैं माइक्रोस्कोप के ऊपर,
फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके ऊपर मैंने यहाँ पे सैमसंग की EMMC को लगा दिया है, जैसे कि गाइज यहाँ पे आपको साफ दिख रहा होगा, ठीक है, ये देख सकते हो गाइज, ठीक है। तो चलो अभी ये चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और गाइज हम देखते हैं कि हमारा जो फ़ोन है वो अभी, क्योंकि ये पूरा ब्लैंक है तो इसके ऊपर अभी करना पड़ेगा फ्लैश गाइज, ठीक है। तो अभी हम सिंपली थोड़ा सा जूम आउट करते हैं यहाँ से कि आपको यहाँ पे दिख जाए, ठीक है, अभी यहाँ पे साफ दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ से सिंपली हम क्या करते हैं, UFI को निकाल देते हैं और यहाँ से अपना जो UMB डोंगल होता है उसको ऑन करते हैं इसको फ्लैश करने के लिए गाइज, ठीक है। तो इसके लिए हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे MediaTek पे चलते हैं और यहाँ से सिंपली जो MediaTek का जो हमारा MTK टूल होता है उसको सिंपली ओपन कर लेते हैं और इसको गाइज एक बार फ्लैश करके देखेंगे, क्योंकि फ़ोन पूरा ब्लैंक है तो इसको फ्लैश करना होगा। तो चलो एक बार इसको पहले फ्लैश करके देखते हैं हम यहाँ पे। तो फ़ोन को हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं और फ़ोन हमारा ऑटो पोर्ट बनाएगा अभी, क्योंकि फ़ोन फाइल इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे हम सब कुछ पहले लगा देते हैं, ठीक है। चलो ये ऑन हो चुका है, अभी सिंपली हम चलते हैं फ्लैशर के ऊपर। यहाँ पे जो मॉडल है वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे हम Xiaomi सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो गाइस हमारा मॉडल है Redmi 6A, यहाँ पे स्कैटर लोडर पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे जो हमारा फाइल होता है Redmi 6A का, तो वो यहाँ से हम सिंपली इसको स्कैटर फाइल ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फ्लैश फाइल को सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद सिंपली क्या करना है आपको, यहाँ पे फ्लैश के ऊपर क्लिक कर लेना है और करने के बाद गाइस यहाँ पे वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन बटन को एक साथ प्रेस करना है। वैसे नहीं भी करोगे तो चलेगा, क्योंकि ये जो फ़ोन है अभी ऑटो एडियल में होगा, क्योंकि EMMC पूरी ब्लैंक है, ठीक है। तो चलो इसी तरीके से सिंपली हम इसको लगा देते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने लगा दिया है, चलो थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो सिंपली गाइस यहाँ पे देखो फोन हमारा फ्लैशिंग होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो चलो हम थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लेते हैं फोन को फ्लैश होने का। तो सिंपली गाइस देखिए यहाँ पे फ़ोन हमारा फ्लैशिंग डन हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हो फ्लैशिंग डन लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से इसी तरीके से सिंपली हम फ़ोन को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। पहले जो आपने देखा था उस कंडीशन में USB नॉट रिकॉग्नाइज आ रहा था और अभी ये फ्लैशिंग भी कम्प्लीट हो गया। एक बार सेट को हम यहाँ से ऑन करते हैं, तो गाइस यहाँ पे फ़ोन हमारा वाइब्रेट हुआ और देखो गाइस यहाँ पे सेट भी हमारा ऑन हो गया, देख सकते हो गाइस। यहाँ पे हम साइड में आ जाते हैं एक बार फ़ोन को लेके, ठीक है गाइज़। यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ़ोन हमारा यहाँ पे ऑन हो चुका है, सेकेंड लोगो भी हमारा यहाँ पे आ चुका है गाइज़, ठीक है। और गाइज़ IMEI नंबर इसके ऊपर नहीं होगा तो IMEI नंबर के स्टिकर यहाँ पे लगा हुआ है, तो IMEI नंबर भी हम इसको इजी वे में रिपेयर कर पाएंगे गाइज़, ठीक है। तो फ्रेंड आपने देखा कि किस तरीके की इसके अंदर की प्रॉब्लम थी, जो चीज़ मैंने आपको बताया गाइज़, जो भी बताया मैंने बिल्कुल सही बताया। जो भी चीज़ इस तरीके की प्रॉब्लम आपके पास भी आ सकती है, तो ये ज़्यादातर जो प्रॉब्लम है वो EMMC के वजह से होता है, ठीक है। तो फिलहाल मैंने इसके ऊपर 3 GB की EMMC को लगा दिया है, सैमसंग की EMMC पहले जो लगी हुई गाइज वो FK हाइनिक्स की EMMC लगी हुई थी, ठीक है फ्रेंड। तो अब इसको ऑन होने में लगेगा समय, वैसे तो आपको ये ऑन भी हो जाएगा, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है गाइज। तो उम्मीद है गाइज कि ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पे ये सेट चालू हो जाएगा, चालू होने में 5 से 10 मिनट लग सकता है, ठीक है। चलो तो मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।